हे गाइस, वेलकम यू ऑल। बात करेंगे आज इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी जो होते हैं, अगर मेल एंड फीमेल दोनों साथ में रह रहे हैं, एक साल तक उसको कोई बेबी नहीं हो रहे हैं, अगर वो कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद उसको बेबी नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इनफर्टिलिटी जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो इनफर्टिलिटी होते हैं, उसमें कोई बच्चा उसको हुआ ही नहीं, वो बेबी के लिए काफ़ी प्लानिंग कर रही है बट उस कंसीव नहीं कर पा रही है, वो प्रिकॉशन भी नहीं ले रही है बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसे हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो होता है, एक बेबी उसको है बट वो सेकेंड बेबी के लिए प्लानिंग कर रही है बट वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसे हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी जो होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। जैसे होता क्या है, फीमेल में मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों इसके कारण है। मेल भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करता है इनफर्टिलिटी का, और फीमेल भी। फीमेल जो होती है 100% 60% जो होते हैं फीमेल की, बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से कंसीव नहीं कर पाती है। और मेल जो होते हैं वो 40% के केस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करूँगी, अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी इनफर्टिलिटी के बारे में। तो बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। तो इनफर्टिलिटी जो होता है, मैंने डिस्कस कर दिया। अब स्टार्ट करेंगे थोड़े से इसको, इनफर्टिलिटी पढ़ने से पहले या समझने से पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा जो एक महीने का पीरियड्स होते हैं, जो हमारा एक महीने में ये जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो सपोज दैट ये यूट्रस है, ये वजदानी है, और ये सर्विक्स है, और ये ओवरीज हैं दोनों तरफ। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दैट्स ओनली एन एग्जाम्पल। तो एक महीने में जो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया होगा। जैसे एक महीना में 14 दिन जो होते हैं, मेंस के पहले दिन से लेकर 14 दिन जो होते हैं वो फॉलिकुलर फेस बोलते हैं, जिसमें कि अंडे यहाँ पे मैच्योर होते हैं, और 15वां दिन जो होता है यहाँ रिलीज होता है, और बाकी के जो 15वां दिन है होते हैं वो उसे हम लोग ल्यूटियल फेस बोलते हैं, जिसमें कि अंडा यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और जो उसके जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें कॉर्पस अल्बिकेंस बनते हैं या तो डिजल्व हो जाता है। इस तरीके से बहुत चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, सबसे ज़्यादा कारण जो होता है इनफर्टिलिटी का, वो PCOS होता है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। और जो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में होता क्या है, जैसे ओवुलेशन नहीं कराने देता है, या फिर जो अंडे बन रहे हैं वो रिलीज़ नहीं कराने देता है। मैं यह पहले ही बता दे रही हूँ, जैसे फीमेल में होता क्या है, जन्म लेने के बाद से इसमें जो होते हैं कम से कम 70 से 80 हज़ार फॉलिकल्स रहते हैं। उसके पहले बहुत सारे रहते हैं, जब वो पेट में ही रहती है तो उसके ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। जैसे जन्म ले लेते हैं 70 से 80 हज़ार फॉलिकल्स इसमें रह जाते हैं, और जो फॉलिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे जो अंडे होते हैं वही मेच्योर होता है धीरे धीरे, हर साइकिल में मेच्योर होता है, फिर अंडे रिलीज़ होते हैं। तो वो जो 70 से 80 हज़ार फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे एज के हिसाब से वो घटने लगता है। जैसे 30 ईयर्स से 35 ईयर्स तक तो वो मतलब फीमेल जो होते हैं कंसीव करती है, लेकिन जैसे ही एज बढ़ने लगता है तो उसमें होता क्या है, ये कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो घटने लगते हैं। तो फीमेल में इनफर्टिलिटी का एज भी एक फैक्टर है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, PCOS की बात कर रही थी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में। वो जो होते हैं 60% जो ओवरीज 100% में 40% जो होते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और 30% जो प्रॉब्लम होती है वो ट्यूब में होती है, और बाकी जो प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे 15% होते हैं, और यहाँ पे 5% प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो सर्विक्स होते हैं। तो बात करते हैं जो 40% प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अंडे बन नहीं रहे, रिलीज़ नहीं करा पा रहा है, इसके वजह से यहाँ दिक्कत होती है। और ट्यूब में जो होता है, या तो कोई ब्लॉकेज है, या पैडिंग इन्फेक्शन की वजह से हो रखा है यहाँ कुछ प्रॉब्लम, या फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर इसको हम लोग हिस्टेरोसल्फिनोग्राफी करा के यहाँ पे देखते हैं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। एक जो टेस्ट होता है जिसमें कि हम लोग यहाँ का ब्लॉकेज देखते हैं, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। और मैं जो PCOS की बात कर रही थी, सिस्ट की बात कर रही थी, तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे हमारे ब्रेन से दो हार्मोन निकलता है, FSH और LH, जो यहाँ पे आके एक्ट करता है, तो यहाँ के अंडे बनने का प्रोसेस जो है
स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे हर महीने में पीरियड्स के या फिर मेंस के दूसरा हुआ से लेके पांचवा दिन तक यहाँ पे चेक करते हैं FSH का लेवल कितना है। जब ये FSH यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अगर अंडे ही नहीं हैं तो FSH को काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे एक्ट करने के लिए और वो ज़्यादा FSH निकलता है। तो अगर इंक्रीज FSH मिलेगा, जिसमें कि इंक्रीज मतलब FSH बढ़ा हुआ रिपोर्ट में मिलता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो घट रहे हैं, उसमें फॉलिकल्स की कमी है। वैसे ही LH की बात करते हैं, LH जो होता है, मैं आपको बताई जैसे 15वां दिन जो अंडे यहाँ से रिलीज होते हैं वो LH करवाता है। अगर LH घटा हुआ है दैट मीन्स कि ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस में जो होते हैं फाइब्रॉइड बन रखे हैं इसके लेयर में या फिर इसके अंदर बस्तानी के अंदर उसके लाइनिंग जो होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके से यूट्रस में भी पॉलिप है या ट्यूमर है या फाइब्रॉइड है, कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम बनता है तो दिक्कत होती है, इनफर्टिलिटी कराता है। सर्विक्स की बात करें तो यहाँ पे 5% कारण होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है या पॉलिप बन रखा है। वेजाइना की बात करें तो वेजाइना में कोई सेप्टम तो नहीं, कोई ब्लॉकेज तो नहीं करा है, यहाँ पे वहाँ के लिक्विड जो है एसिड तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म को किल कर देता है, मेल एंड फीमेल दोनों कंटेक्ट में, तो यहाँ स्पर्म तो आता है लेकिन स्पर्म आते आते यहाँ के लिक्विड जो होते हैं वो एसिड बन, नेचर तो बेसिक होता है लेकिन जब यहाँ का एसिड होने लगता है तो स्पर्म मरने लगते हैं। फिर इसके अंदर भी स्पर्म तो आए हैं लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ पे या तो स्पर्म को मारने वाले एंटी मैक्रोफेजेस यहाँ पे रहते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, या फिर